नमस्कार साथियों, कोरोना संक्रमण के कुल मामले देश में 2,65,000 के पार पहुंच चुके हैं, पर देश के स्वास्थ्य मंत्री जी चुप। कई बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ एवं पूर्व सेना के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत में घुस चुकी है, पर देश के रक्षा मंत्री जी चुप है। मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को गिरा दिया, पर देश की वित्त मंत्री जी चुप। बेरोजगारी की दर मई माह में 23.48% पर जा पहुंची, पर देश के श्रम व रोजगार मंत्री जी चुप है। मित्र देश नेपाल भारत माता की सरजमी को अपने देश का हिस्सा बता रहा है, पर देश के विदेश मंत्री जी चुप है। पिछले 3 दिनों में पेट्रोल एवं डीजल के भाव 2.25 रुपये प्रति लीटर से बढ़ चुके हैं, पर देश के तेल के मंत्री जी चुप है। हाँ, इस आपदा के समय भी कोई बोलता दिख रहा है तो LED स्क्रीन पर देश के गृह मंत्री जी बिहार एवं बंगाल में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री जी ने गहरी चुप्पी साध ली है। मैं देश के सारे केंद्रीय मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर, मास्क पहन के भी बोला जा सकता है। आप देश की ये सारी समस्याओं के बारे में क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बताते कि देश को आप इन समस्याओं से कैसे निकालेंगे, आपका क्या प्लान है? देश आपकी चुप्पी टूटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।